Vayam Prabha. Digital India. Educated India. नासान कोनिचिवा नमस्कार आज की हमारी जापानी भाषा एक परिचय की इस क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हार्दिक अभिनंदन उन सब का भी जो लोग आज पहली बार आ रहे हैं आशा करते हैं कि आप लोग को यहाँ से फायदा होगा इस क्लास से आप अच्छे से बोल पाएंगे इम्प्रूव करेंगे अपनी जापानी और कॉन्वर्सेशन में आपको सुविधा होगी तो हमारी पिछली क्लास में हम लोगों ने किया है वा और नी अरिमास और इमास के साथ तो अब हम लोग इस क्लास में थोड़ा सा कुछ अलग करेंगे आज एक नया पार्टिकल करेंगे पार्टिकल गा और वा और गा में क्या अंतर है उसको जानेंगे हम तो ये जो नया पार्टिकल है पार्टिकल गा इसका भाषा में क्या फंक्शन है कैसे प्रयोग किया जाता है हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे लेकिन यह सब जानने से पहले एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है उसके बारे में जानना हमारे लिए अनिवार्य भी है और वो है ग्रामर देखिए कुछ भी बोलने से पहले या कुछ भी बोलने के लिए हमें वाक्य बनाना जरूरी है तो सबसे पहले क्या आता है सबसे पहले आता है वाक्य अब यह जानना भी जरूरी है अति आवश्यक है कि वाक्य है क्या और वाक्य के लिए क्या जरूरी है तो देखिए वाक्य किसी भाव को व्यवस्थित रूप से प्रकट करता है या आप यूं समझ लीजिए कि शब्दों को सही क्रम से जोड़कर अर्थ देता है और यदि शब्दों का क्रम सही नहीं है तो अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है तो बातचीत के लिए सबसे ज्यादा क्या आवश्यक है बातचीत के लिए आवश्यक है वाक्य अब एक वाक्य में दो जरूरी भाग है. पहला भाग है सब्जेक्ट और दूसरा भाग है प्रेडिकेट अब ये दोनों क्या हैं वाक्य में जिसके संबंध में कुछ बताया जाता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं यानी कि वो हमारा टॉपिक भी बन जाता है कॉन्वर्सेशन का वार्तालाप का और हिंदी में सब्जेक्ट को उद्देश्य कहते हैं अब दूसरा भाग जो वाक्य का है वो है प्रेडिकेट यानी कि सब्जेक्ट या उद्देश्य के संबंध में जो कुछ भी बताया जाता है वो प्रेडिकेट कहलाता है यानी कि जो हमारा सब्जेक्ट है उसके बारे में जो हम जानकारी देते हैं या जो हमारा सब्जेक्ट है वो कुछ करता है उसको हम प्रेडिकेट कहते हैं तो सेंटेंस के वाक्य के दूसरे भाग में प्रेडिकेट आता है आप उसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि सब्जेक्ट के अतिरिक्त टॉपिक के अतिरिक्त जो कुछ भी वाक्य में होता है उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं अब प्रेडिकेट का जो सीधा संबंध है वो क्रिया से होता है प्रेडिकेट में क्रिया के साथ साथ और बहुत चीजों का भी ध्यान रखा जाता है और हिंदी में प्रेडिकेट को हम क्या कहते हैं हम कहते हैं विधेय तो अगर मोटे तौर पर देखें तो सब्जेक्ट क्या करता है वाक्य में जिसके संबंध में बताया जाता है वो है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या है सब्जेक्ट के संबंध में बताया जाता है उसे प्रेडिकेट कहते हैं अब आप यह बताइए कि अगर हमें वार्तालाप करना है तो हमें क्या चाहिए हमें व्याकरण की जानकारी होनी चाहिए हमें इंटोनेशन की जानकारी होनी चाहिए यानी कि किस प्रकार से आवाज को उतारना और चढ़ाना किस चीज पर जोर देना क्या वाक्य में महत्वपूर्ण है उसके बारे में ध्यान रखना और सबसे बड़ी चीज जो है वो है बॉडी लैंग्वेज जैसा कि आपने देखा होगा कि हम लोग हाथों का अपना बहुत प्रयोग करते हैं या हम कभी भौवें चढ़ाते हैं या सर हिलाते हैं तो इन सब चीजों की भी आवश्यकता होती है हमें वार्तालाप करने के समय जैसे कि आप ये बहुत एक साधारण वाक्य है उसे आप देखिए किस जगह जोर देना है किस चीज को हमें दर्शाना है किस चीज को पॉइंट करके दिखाना है ये इस वाक्य से आपको समझ में आएगा बहुत सीधा सा वाक्य है किताब मेज पर है इसका ट्रांसलेशन नहीं करिएगा ये आपको एक केवल उदाहरण दे रहे हैं कि कैसे आप बॉडी लैंग्वेज इंटोनेशन एम्फोसिस का प्रयोग करते हुए कुछ बात कहते हैं तो देखिए किताब मेज पर है अब आपने किताब पर आप किताब के बारे में बताना चाहते हैं तो किताब मेज पर है किताब मेज पर है फिर आप कह सकते हैं किताब मेज पर है अब जगह को आप ज्यादा जोर दे रहे हैं तो इस प्रकार से आप किस चीज पे एम्फेसिस दे रहे हैं किस चीज पे जोर दे रहे हैं वो दर्शाया जा सकता है और फिर आप ये भी कह सकते हैं कि किताब वहां पर है तो आप हाथ से इशारा करके भी बता सकते हैं कि किताब वहां पर है उस जगह पर है तो इस प्रकार से आप तरह तरह के माध्यम हैं जिनसे आप बता सकते हैं कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं देखिए वाक्य के भी बहुत प्रकार होते हैं लेकिन यहां पर हमें वाक्य जाने की इतनी आवश्यकता नहीं है हमारा उद्देश्य है कम्युनिकेशन साधारण बातचीत के लिए ग्रामर को समझना आवश्यक तो है लेकिन बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है अब अंग्रेजी में वाक्य में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है लेकिन जापानी भाषा में एक चीज और होती है उसका भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के साथ वो वो क्या है? वो है का सब्जेक्ट के साथ टॉपिक भी जुड़ जाता है अब सब्जेक्ट और टॉपिक बहुत मिलते जुलते भी हैं लेकिन व्याकरण की दृष्टि से अगर दोनों को देखें तो दोनों में अंतर भी बहुत है सब्जेक्ट अलग चीज है और टॉपिक अलग चीज है और जापानी भाषा में दोनों बहुत अलग तरीके से प्रयोग भी किए जाते हैं और पार्टिकल भी अलग लगता है हम लोग इतने दिनों से पढ़ते चले आ रहे हैं कि वाह कब प्रयोग किया जाता है और क्या दर्शाता है तो जैसा कि आपको मालूम है वाह हम अपने टॉपिक के बारे में बताते हैं अब वाह और गा दोनों बहुत मिलते जुलते भी हैं तो अब देखते हैं कि जापानी भाषा में वा और गा का कैसे प्रयोग किया जाता है और इनमें अंतर क्या है उससे पहले ये बात भी आपको जानना जरूरी है कि वा और गा जो है दोनों ग्रामेटिकल पार्टिकल्स हैं और सबसे ज्यादा भाषा में प्रयोग किए जाते हैं जापानी में टॉपिक वो वस्तु तो या व्यक्ति है जिसके बारे में हम कुछ बताते हैं या बात करते हैं उसका व्याकरण से कोई संबंध नहीं है या यूं कह लीजिए कि कोई खास संबंध नहीं है और वा क्या है वा जैसा कि आपको पता है एक टॉपिक पार्टिकल है और संज्ञा और सर्वनाम के बाद ही प्रयोग किया जाता है क्योंकि जो भी हमारा टॉपिक होगा वो या तो कोई व्यक्ति होगा या कोई वस्तु होगी या कोई जगह होगी तो वो ज्यादातर नाउन ही होगा ये जो हमारा टॉपिक पार्टिकल वा है वो उद्देश्य के बारे में बताता है और एक प्रकार से आप समझ लीजिए कि वो हमारा जो टॉपिक है उसके बारे में कुछ जानकारी देता है अब सब्जेक्ट वो है जिसका क्रिया से व्याकरण की दृष्टि से सीधा संबंध है और गा सब्जेक्ट पार्टिकल है इसका अर्थ है कि गा वाक्य में सब्जेक्ट को दर्शाता है और सब्जेक्ट के बारे में नई जानकारी देता है अब इस सब बातचीत से यह समझ में आता है कि वार्तालाप के समय वा और गा में बहुत अंतर नहीं दिखता है तो इसका फर्क समझने के लिए हम ये समझ सकते हैं कि वा के बाद जो कुछ भी आता है जो भी चीज पार्टिकल वा के बाद कही जाती है वो बहुत महत्वपूर्ण बन जाती है और वाक्य में जो भी चीज पार्टिकल गा से पहले कही जाती है वो बहुत महत्वपूर्ण बन जाती है इस सब से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं तो अब ये सब समझने के लिए तो ठीक है लेकिन पूरी तरीके से ये भी सही नहीं है और काफी कंफ्यूजिंग भी लगता है पर एक बात हम लोग को स्पष्ट तरीके से समझ में आती है कि पार्टिकल वा के बाद जो कुछ आता है इसलिए वो महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि हम अपने टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं और दूसरी ओर जब हमें किसी बात को जोर से कहना होता है उस पर एम्फेसिस देनी होती है उसको ज्यादा जोर से दर्शाना होता है या महत्वपूर्ण दिखाना होता है तो हम अधिकतर गा का ही प्रयोग करते हैं जैसे अब एक ये साधारण सा वाक्य है अब देखिए आप कौन हैं यदि हम इस वाक्य को अंग्रेजी में पूछें तो इसमें क्या हो जाएगा क्या बनेगा ये जबकि हम अंग्रेजी में बहुत ज्यादा इस तरीके से नहीं पूछते हैं हम ज्यादातर अंग्रेजी में पूछेंगे वॉट इज योर नेम लेकिन हाँ ये इस समय एग्जाम्पल के तौर पर उदाहरण के तौर पर हम प्रयोग कर सकते हैं आप कौन हैं अंग्रेजी में अगर कहेंगे तो वो होगा यू तो आपका जापानी में जवाब क्या आएगा वाताशी वीरा दिस मैं मीरा हूं तो मेरे बारे में बात हो रही है मैं कौन हूं मैं मीरा हूं एम मीरा वाताशिवा मीरा दिस अब इसी के जगह अगर हम ये सवाल करें कि यहां पर मीरा कौन है इस कमरे में इस जगह पर मीरा कौन है तो उसको अगर हम अंग्रेजी में लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे देखिए यहां मीरा कौन है तो हम अगर इसको अंग्रेजी में लिखते हैं तो हम कहेंगे हु इज मीरा ओवर हियर तो इसका जापानी में जवाब क्या आएगा यहां पर वाताशिगा मीरा दस यानी कि मैं मीरा हूं मीरा जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं वो व्यक्ति मैं हूं सो so, वाताशिगा मीरा जिस व्यक्ति के बारे में आप पूछना चाह रहे हैं वो व्यक्ति मैं हूं तो इस प्रकार वाताशिवा मीरा साधारण सा एक सेंटेंस है और वाताशिगा मीरा यानी कि जिस मीरा के बारे में आप बात कर रहे हैं या जानना चाहते हैं वो व्यक्ति मैं हूं तो जो यहाँ पहले आया है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वा के बाद जो आया है वो ज्यादा इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर उसके बारे में जानकारी दी गई है तो इस प्रकार से वा और गा का एक बहुत मोटा मोटा आप समझ लीजिए फर्क आप जान सकते हैं तो अब आप क्या याद रख सकते हैं इसमें से सबसे आसान तरीका वा और गा का याद करने का वो ये है फिलहाल के लिए आपके लिए कि जिस बात पर आप ज्यादा जोर देना चाहते हैं उसके बाद आप गा लगा सकते हैं वैसे तो गा के बहुत फंक्शंस हैं, बहुत तरीके से प्रयोग में आता है गा लेकिन फिलहाल अगर आप इतना कर लेंगे तो आपको गा और वा का फर्क आसानी से पता चल जाएगा जितना अभ्यास करेंगे वा और गा का उतना ही वो आसान बनेगा अब देखिए एक और आपके पास उदाहरण है मीरा सानवा कुछ सो का तो किसने जूते खरीदे मीरासान ने खरीदे ये जूते किसने खरीदे किसने खरीदे मीरासान ने खरीदे तो ये क्या हुआ मीरा वा, मीरासानवा वाह कुछसु काइमाश्ता ये एक स्टेटमेंट हो गया कुछ इंफॉर्मेशन दी गई और एक सिंपल स्टेटमेंट हो गया क्या खरीदा जूते खरीदे अब ऐसा ही एक और स्टेटमेंट है मीरासान कुछ सु का इमाश्ता तो अब यहां पे सवाल क्या बनता है देखिए जैसा कि आपको बताया था गा से पहले जो आता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है तो मीरासान का कुछ सुओ काईमाश्ता अब ये क्या बनता है एम्फोसिस आ गई किस पे आ गया आपने जोर किस पे दिया मीरासान का कायता तो किसने खरीदा मीरासान ने खरीदा, मीरा खरीदा. यहां पे क्या था क्या खरीदा कुत्सु और यहां पे क्या हुआ मीरासान आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई मीरासान का काम आश्ता तो अगर आप कुत्सू की बात कर रहे हैं कि किसने खरीदा है तो वो व्यक्ति कौन है वो है मीरासान अब देखिए आपने अभी तक किया है होन स्क्वेनो नो किताब मेज पर है किताब मेज के ऊपर है या आपने किया है होन वा उएनी नी अरिमास मेज पर है या मेज पर रखी है अगर इसी को हम गा के साथ दिखाएं तो कैसे दिखाएंगे स्क्वेनो उएनी नी मेज के ऊपर क्या रखा है किताब रखी है तो ये जो गा है इससे पहले होन है स्क्वेनो उएनी नी गा अरिमास तो और कोई चीज नहीं रखी है क्या स्पेसिफिक चीज रखी है किताब रखी है वो गा से हमने दर्शाया है इस प्रकार से आप अभी समझ सकते हैं बहुत अन्य इसके फंक्शंस हैं बहुत अन्य तरीके से इसको प्रयोग में लाया जाता है जापानी भाषा में तो वो हम लोग आगे सीखेंगे ये सबसे सिंपल तरीका है इसका वा और नी कॉम्बिनेशन और नी और गा कॉम्बिनेशन इसको आप बार बार प्रैक्टिस करिए बार बार इसका अभ्यास करिए अपने मित्र के साथ तो आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा ये देखिए नाउन वा प्लेस नी अरिमास या इमास ये आपने किया है और आज आपने क्या किया है प्लेस नी नाउन गा अरिमास तो ये आप दर्शाना चाह रहे हैं कि इस प्लेस पर ये चीज रखी है या ये व्यक्ति मौजूद है अब आप यहां पर एक प्रैक्टिस कर सकते हैं देखिए उए नानी गा अरिमास का नी पेन गा तो यहां पर क्या रखा है यहां पर पेन रखा है और कुछ नहीं रखा है केवल पेन रखा है उसको आप दिखाना चाह रहे हैं गा के साथ फिर होन व दोको दस का होन व तो ये एक नॉर्मल स्टेटमेंट है खबानो नाकानी नानी गा अरिमास का खबानो नाकानी होन गा अरिमास और कुछ नहीं है होन है वहां पर एक किताब है तो गा के साथ आपने ये बताया और कोई पेन नहीं है या रबर नहीं है किताब है तो इस प्रकार से आप अभ्यास कर सकते हैं अब देखिए हे यानी तना का सान का इमास यहाँ पे कौन है तना का सान है अगर पूछें कि कमरे में कौन है तो कौन व्यक्ति है तना का सान है और कोई व्यक्ति नहीं है नाम के साथ तना का सान है तना का सान वा हे यानी इमास हे यानी तना का सान का इमास तो स्पेसिफिक तना का सान है स्कुएनो ओएनी देनवागा अरिमास इसके ऊपर क्या रखा है देनवा रखा है तो उसको हम दर्शा रहे हैं देनवाएनो स्क्वेनो ओएनी अरिमास ये एक नॉर्मल स्टेटमेंट है तो क्वेश्चन वर्ड के साथ गा का कैसे प्रयोग किया जाता है और क्या इंपॉर्टेंस है गा की हमारी जापानी भाषा में इसका प्रयोग देखेंगे देखिए ये एक कमरे में दो लोग बैठे हैं तो हे यानी दारेगा ईमास का तो आप देखेंगे कि हमेशा जो क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं उनके साथ गा का प्रयोग किया जाता है प्रश्नवाचक शब्दों के साथ गा का प्रयोग किया जाता है हे या कमरे में दारेगा इमास का। प्लेस नी दारेगा इमास का यह आपने इमास पहले किया है अपने लेसन में तो कमरे में कौन है अर्थ है कौन दारेगा इमास का कौन है तो थाना का सान तो मातुमो तो सान गा ईमा अब आप एक चीज जानते हैं उसके बारे में बता रहे हैं फैक्ट बता रहे हैं तो ताना तो, का सान तो ताना कासान और मातुमो तो सान कमरे में हैं। इस प्रकार से आप जवाब देंगे इसका अब एक और तस्वीर है यहाँ पर तो हेनो नाकानी दारेगा ईमास का अब यहाँ पे हे या नी था और यहाँ पे हेया नो नाकानी आप यहाँ से ये हटा भी सकते हैं तब भी अर्थ वही रहेगा और हे या नो नाकानी करेंगे तब भी अर्थ वही रहेगा नाका का मतलब है अंदर तो कमरे के अंदर कौन है दारेगा ईमास का तो इसका जवाब देखिए नया जवाब है दारे मो इन तो कोई भी कोई भी नहीं है इसका अर्थ ये बनता है कोई भी नहीं है अगर कोई भी नहीं है कमरे में तो आप कह सकते हैं कोई भी नहीं है दारेमो इमासन गा की जगह मो लगाइए दारे मो ईमान या अगर कोई है तो आप बता सकते हैं कि कौन है अब आपने ये पहले किया है दारेगा इक्की मस का यानी कि कौन जाएगा कोई तो जाएगा ये तो आपको पता है कौन जाएगा आप ये जानना चाहते हैं जाने के बारे में मालूम है इसलिए पार्टिकल गा है और दूसरी बात ये है कि दारे है क्वेश्चन बर्ड है इसलिए पार्टिकल गा लगाया जा रहा है जैसा आपको पता है दारेगा इक्की मास का सेंसे गा मास अब हमें ये मालूम है कि सेंसे जा रहे हैं ये एक फैक्ट है ये सब लोग जानते हैं तो हम कह सकते हैं गा सेंसेगा कोनो मोंद नो कोता दारे मोह शिरी मासेन। देखिए मोह आ गया तो नेगेटिव वर्ब आ जाएगा जितनी आप सिचुएशन सोच करके वाक्य बनाएंगे अपने मित्र के साथ अभ्यास करेंगे उतनी ही जल्दी ये समझ में आएगा और आप उसको आसानी से प्रयोग भी कर पाएंगे तो दारे देमो का अर्थ है कोई भी तो जैसा कि हम लोगों ने इस लेसन में गा किया है आशा करते हैं कि आपको कुछ अंतर आपको समझ में आया होगा और आप इसको करने का प्रयास करेंगे आपके शुक्रदाय के लिए होमवर्क के लिए आप गा और वा नी से वाक्य बनाइए वाक्य बना कर के उसको जोर से अभ्यास करिए उसका मित्र के साथ प्रश्न करिए और उसका जवाब मांगिए अगले क्लास में हम लोग और गा के बारे में करेंगे उसके और तमाम फंक्शंस करेंगे तब तक आप घर में इसका प्रैक्टिस करिए इसका रेंश्यू करिए धन्यवाद